प्रॉब्लम सेशन सेवन करेंगे हम ठीक है पहले जो भी हमने सीखा है उस पर बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे आइए प्रॉब्लम सेशन सेवन सर्कुलर मोशन जो भी हमने पढ़ा उसको देखें और समझें फटाफट फटाफट बोर्ड पर देखो और क्वेश्चन करते जाओ जल्दी से क्वेश्चन करो आंसर बताते जाओ मुझे <Option> एकदम फर्जी है एकदम आसान है क्या कह रहा है भाई ओमेगा को थीटा के टर्म्स में कह रहा है है ना एंगल वेलोसिटी ऑफ अ एज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओमेगा इज इक्वल टू तो थीटा स्क्वायर प्लस टू थीटा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर प्लस टू थीटा टू थीटा ही है टू थीटा ऐसा है भाई तो क्या चाहता है एंगुलर एक्सेलरेशन चाहता है कब जब थीटा वन रेडियन है क्या कर दू क्या कर दू डिफ्रेंशिएट कर दू ही तो चाहिए आपको तो अल्फा इज डी ओमेगा बाय अभी ताजा ताजा सीखा है हमने इज इक्वल टू टू थीटा डी थीटा बाय डी टी प्लस टू इन डी थीटा बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी इज ओमेगा और ये सारा खेल कब चाहिए भाई जब थीटा वन है तो जब थीटा वन है तब ओमेगा कितना है वो निकालने पहले है ना तो थीटा इज क्या वैल्यू है, है, तो है तो थ्री रख दू इस डी थीटा बाई डी टी को थ्री रख दू और इस थीटा को वन रख दू है, ना? है? तो कितना आ गया टू इंटू वन इंटू थ्री सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ट्वेल्व यूनिट क्या हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कौन सा आंसर आ गया हमारा सी आंसर आ गया है ना बहुत मुश्किल है ये तो बहुत ज्यादा <laughs> बहुत ज्यादा मुश्किल है इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा कम से कम तो पक्की बात है ऐसा है तो इजी आते हैं बहुत सर्कुलर पर क्वेश्चन क्योंकि सर्कुलर टॉपिक टफ है तो जो भी टफ टॉपिक होते हैं उन पर क्वेश्चन इजी आते हैं और हम टफ टॉपिक छोड़ देते हैं <laughs> और जो इजी टॉपिक आते हैं उन पर क्वेश्चन टफ आते हैं वो हमसे होते नहीं हैं <laughs> तो, तो जो हम कर सकते हैं उनको हम छोड़ जाते हैं और जो हमसे होंगे ही नहीं उनको हम फाइट मारते हैं रिजल्ट निल बटे सन्नाटा रह जाता है हमारा <laughs> ऐसे ही होता है ऐसा है सेकंड देखो जरा सेकंड देखो फटाफट से <laughs> सेकेंड देखो जल्दी जल्दी से कर दो हाँ भाई तो क्या कह रहा two, है इफ दी रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स आर इन द रेशो ऑफ वन इज टू टू रेडियस का रेशो है तो आर वन बाई आर टू का रेशो है वन इज टू टू दो सर्कुलर मोशन मन में सोच लिया इन ऑर्डर टू हैव द सेम सेंटीमेटर एक्सेलरेशन देयर स्पीड शुड बी इन द रेशो ऑफ क्या चाहता है वो सेंटीमेटर एक्सेलरेशन सेम चाहता है वी स्क्वायर बाय आर होता है सेंटीमेटर एक्सेलरेशन तो क्या वी वन का स्क्वायर बाय आर वन की वैल्यू शुड बी इक्वल टू वी टू का स्क्वायर बाय आर टू सिंपल ये तो हो गया एक्सेलरेशन दोनों का सेम हो जाए सेंटिप्रिट्रल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर r होता है भाई है ना तो उसको स्पीड का रेशियो चाहिए मतलब क्या चाहिए वी वन v2 वी टू चाहिए तो क्या वी वन v2 वी टू की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ आर वन बाय आर टू आर वन बाय टू वन इज टू टू है तो कितना आ गया वन इज रूट टू विच इज यगेन सी ऑप्शन है ना बहुत मुश्किल है ये भी <laughs> हाँ इसी तरह के बिल्कुल एडवांस में आएंगे इसी तरह के क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको नहीं विश्वास हो तो घर जाके देख लेना जरा जो आपके पास होना चाहिए अच्छा भाई एक एक बुक जरूर सबने बाजार से खरीदनी है और वो है नहीं एरोडोव नहीं एरोडोव <laughs> तो मैं आपको करा दूंगा जो जो मतलब के है। वो है टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं मेन्स और एडवांस दोनों की कंबाइंड किताब आती है मार्केट में जैसे मेन्स और एडवांस दोनों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज तो हम भी आपको दे रहे हैं पर स्टिल आपको अपने दिशा भी खरीद लेना चाहिए तो उसमें मान लेते हैं आप काइनोमेटिक्स हमारा हो गया पूरा तो क्या पता मैंने कुछ क्वेश्चन कराया ना हो आपको नहीं हो सकता है ना ऐसा तो सही कि मुझ पर भी क्यों विश्वास करो तो क्यों ना हम जब से शुरू हुआ एग्जाम तब से अब तक कितने क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं वो अगर हमारे पास सारे होंगे तो उससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा अच्छा इस साल में ये आया था इसमें आया था ये भी मुझसे हो गया ये भी मुझसे हो गया ये भी मुझसे हो गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट तो टॉपिक पूरा हो जाने के बाद आपको वो ज़रूर से उसको देखना चाहिए और करना चाहिए और उस वही लिटमस टेस्ट है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं ठीक है तो ये आप जरूर मार्केट से परचेस करेंगे एक चीज बस उसके अलावा तो सब हम आपको दे ही रहे हैं मेंस और एडवांस दोनों की कंबाइंड ही आती है वो लेना है ना जैसे मेंस भी होगा हरियंथ के बहुत सारे पब्लिशर्स की आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो सस्ती मिल जाए वो ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता सेकेंड हैंड में तो फिर एक आध साल के क्वेश्चन नहीं होंगे है ना तो एक आध साल के क्वेश्चन कट जाएंगे फिर पर जो इजी हो जो सस्ती हो वो ले लो अ स्टोन टाइट टू अ हॉरिजॉन्टल सर्कल स्पीड क्या मतलब इन सब का? एक पत्थर को दिया है धागे से दिया। किया ना ऐसा? ऐसे घुमा दिया बचपन में कॉन्स्टेंट स्पीड स्पीड कॉन्स्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया है ना तो एक पार्टिकल ऐसे घुमा दिया, दिया पत्थर से और पार्टिकल को ऐसे घुमा दिया सर्कल में है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवॉल्यूशन इन 25 फाइव 14 रिवॉल्यूशन इन 25 seconds, क्या ये ओमेगा को निकालने के लिए दिया हुआ है बोलो फटाफट ओमेगा की क्या वैल्यू होगी रेडियन पर सेकेंड में चौदह रिवॉल्यूशन करे हैं उसने तो फोर्टीन इन टू पाई डिवाइडेड बाय ट्वेंटी रेडियंस पर सेकेंड सही है

इसको एक काम कर लेते हैं फोर से ऊपर नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई उसे हो जाएगा नीचे सौ बन जाएगा है ना तो नीचे बना लिया मैंने सौ तो 14 इंटू एट पाई डिवाइडेड बाय हंड्रेड का स्क्वायर ठीक है तो पाई स्क्वायर का एक टर्म आएगा पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली टेन या नाइन पॉइंट एट के आसपास होती है जो आप लेना चाहो तो पाई स्क्वायर से एक टेन का टर्म कटेगा बाकी मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे सही है समझ रहे हम बात को कौन सा आंसर आया कौन सा आंसर आया आ रहा है कोई नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन सी आंसर आ रहा है भाई दस के आसपास नाइन पॉइंट नाइन आ रहा है हो जाएगा बढ़ जाएं आगे ठीक है चलो कभी कभी छोटी मोटी कैलकुलेशन हो सकती है तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है चौथा देखो जरा क्या कह रहा है पढ़ो जरा क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट फॉर अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन विद अ एंगल ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट एंगल ऑफ वेलोसिटी बोलते ही क्या मतलब हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इससे पता चल गया यूसीएम है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सिलरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ हाफ ऑफ रिवोल्यूशन आधा रिवोल्यूशन हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है और आधा रिवोल्यूशन हुआ है है ना मान लेते हैं कि यहां से शुरू हुआ है ना और यहां से शुरू होकर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए <coughs> एवरेज एक्सिलरेशन की डेफिनेशन क्या है वॉट इज एवरेज एक्सिलरेशन एक्सीलरेशन एवरेज का क्या डेफिनेशन है बोलो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना और एवरेज एक्सेलरेशन ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो भी समय लगा है ठीक ठीक है तो अगर अपन इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट की तरह देख रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो ये हुई ये हुई इनिशियल वेलोसिटी है ना और अगर पार्टिकल ऐसे एंटी एंटीक्लॉकोई सेंस में चल रहा है तो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर हुई ये सही है करेक्ट है चूंकि मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट ही है तो चेंज कितना हो गया चेंज का मैग्नेट्यूड कितना हो गया टू वी अगर ये वी है और ये भी वी है इसको अगर वेक्टर में लिखो तो ये है वी आई कैप और ये है माइनस वी आई कैप और फिर चेंज लिखो फाइनल माइनस इनिशियल तो माइनस टू वी आई कैप मिलेगा आपको उसका मैग्नेट्यूड टू वी सही है ना इतना तो कर सकते हैं इसमें कोई कष्ट वाली बात है ही नहीं मन में सोच लो ये वीआई कैप है ये माइनस वी आई कैप है और फिर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे माइनस वी आई कैप माइनस का वी आई कैप तो माइनस टू वी आई कैप उसका मैग्नीट्यूड टू वी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सिलेशन वुड बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वी आधा रिवोल्यूशन हुआ है अगर एक पूरे रिवोल्यूशन के टाइम को अगर अपन टी बोलें तो टी बाई टू है ठीक है अच्छा अब एक बात ध्यान से सुनना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चूंकि ओमेगा कांस्टेंट है इसीलिए टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है चूंकि ओमेगा कांस्टेंट है ओमेगा कांस्टेंट का मतलब है बराबर एंगल बराबर समय में कटेगा जैसे कोई भाग रहा हो और उसकी उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तो बराबर दूरी बराबर समय में चलेगा मतलब हर दस मीटर को चलने में उतना ही समय लगेगा ये तो मतलब स्पीड कांस्टेंट का ऐसे अगर किसी का ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मतलब बराबर एंगल बराबर समय में काटेगा तो पहले टू पाई को काटने में जो समय लगा फिर अगले टू पाई को काटने में जो समय लगा फिर अगले टू पाई को जो काटने में समय लगा वो सेम आएगा हेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं वेयर इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कर ही नहीं सकते क्यों क्योंकि पहले चक्कर को लगाने का समय दूसरे का तीसरे का अलग अलग होगा सोच के देखो हेंस टाइम पीरियड जैसी कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो ही नहीं सकती है केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो सकती है एक बात हो गई दूसरी बात दूसरी बात देखो चूंकि ओमेगा कॉन्स्टेंट है और ओमेगा है डी डी थीटा टी और अगर एक पूरा चक्कर लगा लू मैं तो एंगल में चेंज कितना आएगा टू पाई का और समय कितना लगेगा टी हेंस ओमेगा टू पाई और टी में एक संबंध आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी या टी इज इक्वल टू

तो आप तो इतना तो समझ ही कि ओमेगा कांस्टेंट होता है तो टाइम पीरियड होता है टू पाई ओमेगा। ओमेगा <coughs> कांस्टेंट हो तो टाइम पीरियड होता है टू पाई सही भाई? है? तो क्या टाइम पीरियड की वैल्यू टू पाई ओमेगा वहां रख दू मैं ठीक है सो देन दिस बिकम्स कितना टू इंटू वी डिवाइडेड बाय टी बाई टू कितना हो जाएगा पाई बाय ओमेगा पाई बाय ओमेगा तो पाई और ऊपर चला गया ओमेगा क्या ऊपर जो वी लिखा हुआ है क्या मैं वी को आर ओमेगा लिख सकता हूं तो ऊपर जो लिखा हुआ है अब ये हो जाएगा टू बाई पाई आर ओमेगा स्क्वायर देखो ध्यान से ये क्या लिखा हुआ अब तक मैंने एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ठीक है वो चाहता क्या था आपसे वो चाहता था रेशो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज डैश टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन मतलब मैं एवरेज एक्सलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन का रेशो निकाल लू सही बात है करेक्ट है। इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन मतलब कहानी यूसीएम की है मतलब नॉर्मल किसी भी क्षण पर किसी भी मोमेंट पर एक्सेलरेशन क्या दी सेंटर होगा और वो क्या नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा मतलब आर ओमेगा स्क्वायर मतलब वो आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर ओमेगा स्क्वायर जिसकी वैल्यू कितनी है टू बाई यही आंसर हो गया है हाँ देखो <coughs> तो दो चीजें हैं इसमें पहला तो एवरेज एक्सेलरेशन समझ में आना चाहिए उसके लिए हमने का इस्तेमाल किया दुनिया में हमेशा ही होता है चेंज और वो चेंज जब भी निकालोगे वेक्टर के सेंस में निकालोगे ऐसे मत कर देना है ना तो इनिशियल वेलोसिटी समझी मैंने मान लेते इनिशियल पॉइंट ये लिया और आधे समय बाद मतलब एक पूरे चक्कर का हाफ वो यहां पहुंच जाएगा तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ये तो टू वी हो गया तो ये समझ में आ गया मुझे और समय कितना लगा टोटल चक्कर लगाने का समय अगर कैपिटल टी है तो उसका आधा मतलब टी बाई टू एक बात हो गई टी और एक सेकेंड हाँ बोल अच्छा बोल पक्का अच्छा हम्म अब टाइम पीरियड और ओमेगा में एक रिलेशनशिप है जो मैंने अभी समझाया टी बराबर टू पाई बाई से मैंने टी बाई टू की वैल्यू उठाई पाई बाई उठा रख दी पाई बाईगा यहां तक समझ में आती बात अब इस वी की वैल्यू रख दी वी बराबर आर ओमेगा ऐसा करने से ये बन गया और अब क्वेश्चन ने जो पूछा था वो पूछा था एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का रेशो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितने गुना है एवरेज इज एक्स टाइम्स ऑफ ए इंस्टेंटेनियस तो इनका रेशो निकाल लो तो एक्स निकल आएगा तो मैंने रेशो निकाल दिया उससे मुझे वैल्यू आ गई टू बाई सिंपल समझ गए हम बात को क्या बेहद आसान है सनी इजी है समझ में आ गया है सबको समझ में आना चाहिए एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए है ना ना समझने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है चलिए जी अगला देखें पाँचवा देखें सॉल्व करें अपने आप देखें जरा पढ़ें क्वेश्चन कोशिश करें

फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप वेलास्टी है तो वो आपसे केवल इतना पूछ रहा है कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चलता होता मतलब ऐसा तो ये वेलोसिटी पार्टिकल की पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन से में हो सकती थी और अगर पार्टिकल पार्टिकलॉक चलता होता तो वही वेलोसिटी कौन से में हो सकती थी ठीक उस वेलोसिटी की खास बात क्या है उसका एक्स कंपोनेंट है पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट है नेगेटिव बोलो कंपोनेंट है पॉजिटिव और कंपोनेंट है नेगेटिव मेरे साथ साथ रहना अगर फर्स्ट में पार्टिकल होता तो वेलोसिटी कुछ ऐसे ऐसी होती क्या उसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होता वेलोसिटी अगर ऐसी होती तो उसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होता और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होता अगर पार्टिकल फर्स्ट क्वार्डेंट में होता तो ठीक अच्छा अगर पार्टिकल सेकेंड क्वारंट में होता वेलासिटी वैक्टर ऐसा होता ऐसा होता भाई है ना तो उसका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होता और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव होता अच्छा अगर पार्टिकल यहाँ होता थर्ड क्वारेंट में वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होता एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होता वाई कंपोनेंट नेगेटिव होता और अगर भाई साहब यहां होते ऐसी होती वेलोसिटी तो एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होता वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होता समझ गए हेंस कहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है थर्ड क्वार्टेंट में हो सकता है सिंपल एंटी क्लॉकवाइज के लिए सही है क्लॉकवाइज के लिए भी करेंगे समझ गए क्या सब बात को बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा वेक्टर का फील आएगा इमेजिन करोगे कंपोनेंट में तोड़ोगे मन में ही है ना तो आपका जो इंट्यूशन है इमेजिनेशन है वो स्ट्रांग होगा उसी को कराने के लिए है ये क्वेश्चन तो अपने को कुछ नहीं करना केवल पार्टिकल को चारों क्वाड्रेंट में एक एक बार सोच लेना है बस है ना तो पार्टिकल अगर एंटी इंटीक्लोकवाइ सेंस में चल रहा है ऐसे और अगर पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है ऐसा वेलोसिटी वेक्टर होता है तो उसके कंपोनेंट कैसे होंगे इसको इमेजिन करना है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कैसे होंगे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव यहां होता है अगर ऐसा होता है तो एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव यहां होता है ऐसा है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव और यहां होता है तो x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव सिंपल सही है सही है Correct है करेक्ट तो सी तो ये हो गया ये वाला क्वार अब आ जाते हैं अब तुम बताओ मुझे अब तुम बताओ जैसे मैंने सोचा था ऐसे तुम सोचो क्लॉकवाइज चल रहा है फिर चारों क्वार में पार्टिकल को सोचो अगर फर्स्ट क्वारेंट में होता तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होता तो उसका एक्स तो पॉजिटिव होता और वाई नेगेटिव होता अच्छा अगर सेकेंड क्वार में होता तो उसकी वेलॉसिटी वैक्टर ऐसे होता x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव थर्ड होता तो velocity vector ऐसा होता, x negative, y positive. और अगर fourth quadrant में होता तो उसका velocity vector ऐसा होता x नेगेटिव y नेगेटिव है ना हमें चाहिए था x पॉजिटिव और y नेगेटिव जो कि फर्स्ट क्वार में ऐसा ऐसा कंपोनेंट आ रहे हैं तो ये वाला क्वार हो गया सही है Hence, clockwise के लिए फर्स्ट क्वारेंट और एंटी क्लॉकवाइज के लिए थर्ड क्वार उसने कहा पार्टिकल इज मूविंग थ्रू देश क्वार इफ इट इज ट्रेवलिंग क्लॉक वाइज तो यहाँ क्या जाएगा फर्स्ट और थर्ड और कौन सा ऑप्शन क्लॉक वाइज पूछा पहला क्लॉक वाइज पूछे।, पूछे।, पूछे तो क्लॉक वाइज में कौन सा है फर्स्ट और एंटी क्लॉक वाइज में कौन सा है थर्ड तो फर्स्ट और थर्ड सी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन

तो किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर कहानी ऐसी है किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल मान लेते हैं यहां कहीं है ऐसा पार्टिकल 10 मीटर के रेडियस में है तो रेडियस 10 मीटर मिल गया मुझे ठीक है जी उस समय पार्टिकल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पता चल गई मुझे 10 मीटर्स पर सेकेंड और जो उसने डेटा दिया है कि वेलासिटी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको केवल ये समझना है कि ये क्या चीज है ये क्या है ये क्या है, ये क्या है? बोलो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस ये है ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखने के दो तरीके हैं दो तरीकों से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा होता है ये तो मैंने आपको बताई दिया इसके अलावा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू जो मैं पहले बता चुका हूं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डी वी बाई डी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ये मैं पहले ही बता चुका हूं बता चुका हूं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विच इज बेसिकली विच इज बेसिकली डी वी बाय डी टी डी बाई डी टी ऑफ स्पीड डी बाई डी टी ऑफ स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड सही है करेक्ट है समझ में आती ना बात तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आर अल्फा भी लिखा जा सकता है और उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन में उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दे दिया है है ना तो ये टेन जो है ये क्या है ये एटी है बोलो अल्फा नहीं है अल्फा तो वैसे भी नहीं हो सकता यूनिट देखो उसके यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है क्या अल्फा कैसे हो सकता है ये है ना ये नी है ठीक अच्छा अब अगला हमें जो डिसाइड करना है वो ये कि वेलोसिटी की दिशा में है एटी या उसके अपोजिट दिशा में है बोलो वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्यों क्योंकि इंक्रीजिंग लिखा है समझ में नीचे छोटी छोटी बातें है. है ना हेंस इस एटी वैक्टर को या एटी जो कॉम्पोनेंट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसको मैंने ऐसे दिखा दिया पाप तो नहीं कर दिया कोई और दूसरा जो कॉम्पोनेंट है एक्सेलरेशन का वो है सेंटिपेटल एक्सेलरेशन जो कि हमेशा ही टूवर्डी सेंटर होता ही है नॉर्मल रेडियल सेंटिपेटल कुछ भी नाम दे दो इसको नॉर्मल कह देते हैं जिसकी वैल्यू अपने को पता ही होती है वी स्क्वायर बाय आ रही आर ओ स्क्वायर ठीक अब अपने को ए टी पता है ए एन पता है क्या इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा टोटल एक्सेलरेशन बोलो हेंस इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा मान लेते हैं ये है इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा टोटल एक्सेलरेशन और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने पूछा है एंगल बिटवीन पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स है ना जो भी मैंने अभी समझाया था थ्योरी में अल्फा एंगल पूछा है उसने तो क्या ये वाला एंगल अगर अल्फा हो जाए तो क्या उसने ये पूछा है है ना टेन अल्फा की क्या वैल्यू है ए एन बाई ए टी हेंस टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए एन बाय ठीक है एटी तो हमारे पास है ही है टेन और ए एन कितना है वी स्क्वायर बाय आर सही है भाई तो ए एन की वैल्यू रखें अपन वी स्क्वायर बाय आर और एटी तो क्वेश्चन है बता ही दिया है टेन वी कितना था टेन था? था है ना और आर कितना था आर भी टेन था सो दिस इज इक्वल टू टेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन डिवाइडेड बाय टेन वन आ गया फोर्टी फाइव डिग्री आ गया Hence, फोर्टी फाइव डिग्रीज है ना अल्फा की वैल्यू फोर्टी फाइव डिग्रीज आ गई मई बात अब बताओ क्या है बहुत मुश्किल है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है है ना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये टिपिकल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है

और चीज़ों के क्लियर होने का मतलब है बेसिक बेसिक बातें हैं बेसिक डेफिनेशन हमें अगर क्लियर नहीं है तो फिर हमें लगेगा टफ अदरवाइज हम आराम से उसको कर लेंगे ठीक है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दैट मीन्स ये अगर मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर अगर आ जाए एडवांस में है ना भाई तो 99 परसेंट बच्चे नहीं कर पाएंगे इसे या गलत करेंगे 99 परसेंट बच्चे गलत करेंगे या कर ही नहीं पाएंगे उनके पेट में दर्द हो जाएगा अरे बापरे ये पता नहीं क्या है सर्कुलर मोशन और उसमें भी ये और स्पीड इंक्रीज करिए वो सिंपल जो सोचना है सिंपल एकदम वो नहीं सोच पाएंगे एकदम सिंपल सोचना है इसमें कुछ भी नहीं करना है चलिए जी सातवां देखें जरा क्या कहता है और मजेदार पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस टू पाई मीटर ठीक है ये रोड ऑफ का ही क्वेश्चन है एक्चुअली <laughs> तो पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस टू पाई मीटर एंड इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड बाय वी इज इक्वल टू पाई रूटेस देन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मेकिंग द फुल सर्कल एक पूरा सर्कल घूमने में कितना पार्टिकल को समय लगेगा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे ठीक है तो थोड़ा सोचते हैं तो पार्टिकल एक रेडियस टू पाई रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो मान लेते हैं ये टू पाई रेडियस का सर्कल है और पार्टिकल इसमें घूम रहा है और मान लेते हैं टी बराबर जीरो पर पार्टिकल यहाँ था यहीं से चलना शुरू किया और क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो डिस्टेंस कवर्ड पर डिपेंडेंट है ऐसे v इज इक्वल टू पाई रूट एस मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि किसी आगे फर्दर किसी समय पर अगर वो यहां पहुंच जाता है समझना क्वेश्चन को और जो डिस्टेंस चल लिया है उसने वो डिस्टेंस अगर एस होता है तो उस समय उसकी जो स्पीड होगी वी वो स्पीड वी निर्भर कर रही होगी एस पर ऐसे अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई क्वेश्चन समझ में आ गया तो मुझे फटाफट बताओ शुरू में t बराबर जीरो मोमेंट पर उसकी स्पीड क्या होगी जीरो डिस्टेंस ही नहीं चला है कोई तुम ही कह रहे हो कि डिस्टेंस पर इस तरह से डिपेंडेंट है मैं थोड़ी कह रहा हूं तुम ही कह रहे हो तो फिर t बराबर जीरो पर तो शुरू किया मैंने तो स्पीड क्या होगी जीरो ये क्वेश्चन चुप रहा क्वेश्चन ने नहीं बोला कि पार्टिकल रेस्ट से शुरू किया है क्वेश्चन चुप है ये आपके समझने के लिए छोड़ दिया समझ लेंगे यार हम इसमें क्या मुश्किल है तो टी बराबर जीरो पर पार्टिकल की क्या स्पीड है जीरो है है ना तो टी बराबर जीरो पर इस मोमेंट पर पार्टिकल की स्पीड है जीरो और किसी टी मोमेंट पर जब वो एस चल चुका है टी मोमेंट पर जब वो एस चल चुका है तब जो स्पीड है वो है वीज गोडो पाई रूट एस यहां तक समझ में आ गया हमें और वो चाहता है टाइम टेकन चाहता है क्या पूछा है टाइम टेकन पूछा है बाय द टाइम इट मेक्स वन फुल सर्किल तो डेफिनेटली हमें कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए कि जिसमें टाइम आता हो और उधर पूरा सर्किल कवर किया है पूरा सर्किल कवर करने का मतलब है अगर एंगल के सेंस में देखें तो टू पाई और अगर डिस्टेंस के सेंस में देखें तो टू पाई आर ये दो बातें मेरे दिमाग में हैं और जहां से मैं शुरू करूंगा वो रिलेशनशिप है ये अब तुम बताओ क्या करोगे इस वी को लिखे डीएस बाई डी टी एस को एक तरफ कर दे टाइम को एक खत्म हो गया क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है वी को डीएस बाई डी टी तो सर्कुलर मोशन में भी लिख सकता हूं ना कि नहीं लिख सकता लिख सकता हूं वी तो अभी भी लीनियर वेलोसिटी ही है वही वेलॉसिटी है डीएस बाई डी टी डीएस बाई डी टी इज इक्वल टू पाई रूट एस ये बनी मेरी फंडामेंटल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेट कर दो इधर उधर डी एस बाय रूट एस इज इक्वल टू पाई डी टी इंटीग्रेट इंटीग्रेट ठीक है करेक्ट है एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो कितना चल लेगा टू पाई आर सोचो एस की वैल्यू ये ये पॉइंट अगर घूम के यहां घूम के यहां आ जाए तो एस की क्या वैल्यू होगी टू पाई होगी ना टू पाई हम जीरो से टू पाई आर और यहां हम जीरो से टी सही अब चाहिए डीएस अपन रूट एस का इंटीग्रल जो कि कितना होता है डीएक्स अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा प्रवीण तो, तो आता नहीं इंटीग्रेशन कैसे करेगा आता है बता कोई आता इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जो फिजिक्स में बार बार लगता है और वो है इंटीग्रल ऑफ एक्स टू पावर n dx। बस निन्यानवे परसेंट क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाते हैं एक्स टू दी एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स टू दिन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ठीक सही है अच्छा भाई तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें ये जो नीचे रूट एक्स है इसको ऊपर ले तो माइनस वन बाई टू होगी पार तो माइनस वन एक्स की पार एक्स की पार माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन ये माइनस वन बाय टू प्लस वन वन बाय टू आया तो रूट एक्स आया और नीचे भी वन बाय टू आया वो ऊपर चला गया हैंस क्या हो जाएगा टू रूट एक्स हो जाएगा नहीं समझ में आया बेटा क्या हो जाएगा इंटीग्रल टू रूट एक्स सिंपल सबको समझ में आना चाहिए कोई कष्ट नहीं होना चाहिए हेंस भाई डी एस बाई रूट एस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा टू रूट एस ठीक इस पर हम लगा देंगे लिमिट तो ये तो हो गया टू रूट एस और इस पर फिर हम चढ़ा देंगे लिमिट जीरो से लेके टू पाई आर तक और उस तरफ क्या आ चुका है पाई टी ठीक है भाई अपर लिमिट रखी और लोअर लिमिट रखोगे तो, तो जीरो हो जाएगा तो अब आपको आंसर दिखना चाहिए कि टाइम टी जो उसने पूछा है दैट इज टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ टू पाई आर डिवाइडेड बाय पाई ठीक है टाइम्स ऑफ ऑफ अंडर रूट पाई पाई आर आर डिवाइडेड बाय की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है टू पाई देखो भगवान सब जगह पर होता है ना सबकी मदद करता है आर <laughs> की वैल्यू टू पाई दे रखी है उसने तो ये टू पाई बाहर आ गया सही है जी तो टू इंटू टू पाई डिवाइडेड बाय पाई बचा। क्यों कराएगा? दिमाग लगवा रहा है है है। है। वो तो, है ना? ऐसा है। समझ है? ऐसा समझ गए हैं? हाँ बिल्कुल होगी वन रिवॉल्यूशन जब हो जाएगा तो वेलोसिटी होगी वीज गोल पाई अंडर रूट ऑफ टू पाई बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप अगर वो वेलोसिटी पूछता या स्पीड पूछता तो हमें ऐसे बता देते बिल्कुल सीधे बता सकते थे। वो भी पूछ सकता था वो कि आपको ये सीधा ये फॉर्मूले में वैल्यू रखनी भी आ रही है कि नहीं है ना फंक्शन दिया वैल्यू रख दो उसमें क्या बिल्कुल सही कह रहा हूँ समझ गए हो अगेन बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन टफ क्वेश्चन इट्स नॉट ईजी टफ पर आपको ईजी लगना चाहिए है टफ पर आपको लगना चाहिए ईजी अगर आपको कहानी समझ में आ गई है तो आठवां देखो क्या कह रहा है देखो <coughs> पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलॉंग सर्कल ऑफ रेडियस ट्वेंटी बाय फाइव मीटर विथ कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विद कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेरे कॉन्स्टेंट इफ दिलासिटी ऑफ द पार्टिकल इज फिफ्टी मीटर पर सेकेंड एट दफ दी सेकंड रिवल्यूशन दो रिवॉल्यूशन हो चुके हैं आफ्टर मोशन इज बिगन देन देंजेंशियल एक्सेरेशन बता दो कितना होगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगेन काफी टफ है ईजी <laughs> नहीं है तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस विद अन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सलेशन तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इस शब्द का क्या मतलब है रेस्ट से शुरू कर रहा है, है ना तो पार्टिकल आर रेडियस के सर्कल में रेस्ट से शुरू करता है तो यहां से चलना शुरू करता है भाई इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू है जीरो और चलने लगता है ऐसे और फिर क्या हो रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मान लेते हैं ए है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान लेते हैं है ना तो कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलेशन से चलने लगता है तो क्या किसी टी समय पर उसके पास जो वेलॉसिटी होगी क्या वो होगी ए सोचो, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो क्या मैं v u at का इस्तेमाल कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं हैं किसी t समय पर उसके पास क्या वेलोसिटी होगी at होगी और इतना ही नहीं किसी t समय तक वो जो चल चुका होगा ये फटाफट कितना होगा 1/2 at स्क्वायर शाबाश वेरी गुड ये होगा 1/2 at स्क्वायर ये दो बातें अगर आपको समझ में आ जाए तो बस एक क्वेश्चन खत्म हो गया ये बहुत इजी है अब वो आपसे क्या चाहता है वो कहता है वेलोसिटी ऑफ ऑफ द द द पार्टिकल इज 50 मीटर पर सेकंड सेकंड एट एंड आफ्टर मोशन हैज बिगन ठीक है जी तो दो रिवोल्यूशन हो चुके हैं दो रिवोल्यूशन हो चुके हैं है ना और दो रेवोल्यूशन होने में वो जो चल चुका होगा मान लेते हैं टी टाइम टी टाइम लगा है तो वो जो चल चुका होगा वो दो रिवोल्यूशन होने में हाफ ए टी स्क्वायर चल चुका होगा और ये किसके बराबर होगा टू इंटू टू पाई आर। सोच के देखो क्योंकि तुम ही कह रहे हो दो रिवोल्यूशन में भाई मैं तो बोल भी नहीं रहा तो दो रिवॉल्यूशन होने होने में जो समय लगेगा क्या वो इसी इक्वेशन से निकलेगा एक बात और दूसरी जानकारी उसने दी कि वेलोसिटी है कितनी 50 मीटर पर सेकेंड एटी की जो वैल्यू है वो है 50 और वो चा, क्या चाह रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहता है मुझसे है ना भाई ए का वैल्यू मुझसे चाहता है आर उसने दे रखा है मुझे ट्वेंटी बाय पाई ठीक है तो इस इक्वेशन का स्क्वायर करके उसमें रख दो डिवाइड कर दो दोनों को दो दो. ए टी का वैल्यू उठा के यहां रखे टी निकाल लो फिर टी को री सब्सिड्यूट कर दो यहां ए निकाल लो जैसे तुम्हें अच्छा लगे मान लेते हैं ए टी का वैल्यू रख दे रहा हूं यहां पे मान लेते हैं तो मुझे मिल जाएगा हाफ इंटू एटी का वैल्यू रख दिया मैंने पचास इंटू टी है बराबर टू इंटू टू पाई इंटू आर आर का वैल्यू है ट्वेंटी बाई पाई ठीक है भाई तो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड इस जीरो की मुंडी जीरो से उड़ा दी हमने और क्या हुआ ये टू भाई साहब उधर चले गए तो टू टू जा फोर फोर टू जी एट एट टू जो सिक्सटीन सिक्सटीन बाय फाइव आ गया टाइम सिक्सटीन बाय फाइव सेकेंड्स और अब टी की वैल्यू को यहां रखूंगा मैं ए निकालने के लिए तो ए का वैल्यू आ गया फिफ्टी डिवाइडेड बाय कितना है वो सिक्सटीन बाय फाइव ठीक है जी तो टू फिफ्टी डिवाइडेड बाय सिक्सटीन इसको थोड़ा बहुत कट रहा है क्या टू एट जो सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव इतना ही कटा कितना पंद्रह पॉइंट छाइंट छ क्या बात समझ में आई है हमें फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में जो किया गया है वो ये किया गया है कि मैंने टेंजेंशियल जो शुरू में तूने बोला था ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैंने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दी मैं कितना खतरनाक हो चुका हूं टेंजेंशियल <laughs> डायरेक्शन में हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दी है जो कि हम लगा सकते हैं क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है अब देखो मैं एक जादू करके दिखाता हूं फिर से जादू करूँ मैं हमने अभी अभी ताजा ताजा सीखा कि अगर ओमेगा अगर अगर अल्फा कॉन्स्टेंट हो है ना तो हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हैं और हमने सीखा कि हम इक्वेशन लिख सकते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बिल्कुल सही है ठीक है अब एक काम करते हैं इस इक्वेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा आर ओमेगा टी बराबर आर ओमेगा नॉट प्लस आर अल्फा टी और ये जो इक्वेशन है वो ये कह रही है कि, कि किसी टी समय पर जो स्पीड है दैट इज शुरू में जो स्पीड थी प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन टू टी वी बराबर यू प्लस एट एक। ये इक्वेशन तो लिखी थी ये वेलोसिटी लिखी कैसे थी ऐसी तो लिखी थी बोलो तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या हम काइनेमेटिक्स की वन डायमेंशनल वाली इक्वेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं समझ गए ना मेरी बात आर से मैंने गुणा कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो बड़ी खतरनाक इक्वेशन बन गई है ना वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी टी बन गई सही है करेक्ट ऐसे है? ही दूसरी इक्वेशन देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर ये तो प्रूफ किया था मैंने इसको भी आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा यहां मिल जाएगा आर थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ आर अल्फा टी थीटा इज आर्क लेंथ और डिस्टेंस आर थीटा इज व्हाट? आर, आर थीटा अगर ये थीटा एंगल घूमा तो ये ये है आर थीटा आर्क लेंथ है मतलब डिस्टेंस है, है ना करेक्ट है, हैंस ये है, ये आर्क लेंथ आर्क लेंथ कह सकते हैं हम इसे, तो आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट क्या डायरेक्शन में बना ली एस बराबर टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर टेंजेंशियल डायरेक्शन में बना ली है समझ गए बस एवल एक बात को क्लैरिटी से समझ लेना कि एस बराबर जो वन डायमेंशन में बनाई थी तब एस डिस्प्लेसमेंट था और यहां आर्क लेंथ है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को हद्दी कर रहे हो सर मतलब बिल्कुल ही सारे फंडे गड़बड़ कर दी वहां डिस्प्लेसमेंट होता था और यहां तो आप डिस्टेंस रख रहे हो है ना वो समझ में आना चाहिए कि आपको ऐसा क्यों हुआ क्योंकि आर थीटा की वैल्यू है वो और आर थीटा इज द डिस्टेंस आर थीटा इज द डिस्टेंस राइट बहुत जहर भरी बातें हो रही हैं आज बहुत ही खतरनाक मुझे बहुत हैरानी है कि तुम पचा कैसे पा रहे हो पचा पा पी रहे हो कि नहीं पचा पक्का जब तक है जान <laughs> ये बातें करने में बड़ा डर लगता है क्योंकि ये समझ में बहुत मुश्किल से आती है हमें ही बहुत मुश्किल से समझ में आई है तुमको कैसे आ जाएंगे है मैं जब आईटी पहुंच गया तो मुझे आधी चीजें तो पता ही नहीं थी इनफैक्ट मुझे तो किताबों के नाम भी नहीं पता थे मुझे तो अंदर जाके पता चला अच्छा ये किताबें भी पढ़नी होती थी <laughs> हाँ सच <सच्च> में <laughs> मिले ना लड़के अलग अलग जगह के जो जब आईटी पहुंचा तो लड़के मिले तो उनसे जब बात हुई और उनको जब देखा कि उन्होंने क्या क्या किया तो मुझे लगा यार मैं कैसे आ गया यहाँ पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है <laughs> मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है कोई जेडी ली कोई फेनार कोई जाने कौन सी कोई फॉरन ऑथर्स और जाने कौन कौन सी खतरनाक टाइप की बातें करें हाँ नहीं ऐसे लो नहीं तो खैर हमने भी करी थी पर और फॉरेन ऑथर्स की खासकर केमिस्ट्री केमिस्ट्री हमारी बहुत ही सुबह अल्लाह थी ठीक है <laughs> तो ऐसी <laughs> तो ऐसी बातें करें ऐसी ऐसी किताबों के नाम लें हमने तो सुने भी नहीं थे नाम कभी ऐसा भी कुछ होता है क्या है ना भाई क्योंकि आई में जाने के लिए ये नहीं ज़रूरी है कि आपने पच्चीस चीज़ों को देखा हो सुना हो आपके पास कलेक्शन हो खतरनाक कि इधर से उधर तक तो किताबें भरी पड़ी हैं ऐसा नहीं चाहिए है ना जो आता हो वो एकदम खालिश आता हो वो इम्पॉर्टेंट है जो आपको आता हो ये भी नहीं चाह रहा है पेपर कि सब कुछ आता हो तुम्हें कौन से पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं पेपर ये भी नहीं चाहता कि आपको सबको चाहता हो पेपर चाहता है भैया जितना आता हो चालीस पचास साठ परसेंट मान लो वो सही से आता हो बस इतने में तो कल्याण हो जाएगा साठ सत्तर परसेंट अगर आपको ठीक से भी आता होगा तो तो आप रैंक मार दोगे बहुत खतरनाक वाली अच्छी वाली रैंक मार दोगे ऐसा चाहता है आई का पेपर ठीक है ऐसा है <coughs> अगला देखें क्या कहता है इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद हॉर्जोंटल देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी वेक्टर इज पर्टिक्यूलर टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उस जगह पर तो हम एक काम करते हैं पहले हम एक जनरल पॉइंट पर कर्वेचर रेडियस निकालते हैं हमने प्रोजेक्टाइल में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला नहीं निकालने मान लेते हैं तो मान लेते हैं मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका ऐसे ऐसे फेंका किसी यू स्पीड से है ना और ये एंगल है थीटा तो इनिशियल लोकेशन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा जरा बताना रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर एट इनिशियल लोकेशन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा क्या उसके लिए मुझे जी के कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे कैसे ऐसे और ऐसे ठीक है ये थीटा ये नाइनटी माइनस थीटा ये एंगल थीटा तो यू स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा तो इनिशियल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा ये इनिशियल है स्टार्टिंग पॉइंट पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर सही बात है अच्छा और जब भाई साहब टॉप पर पहुंच जाएंगे यहां उस समय इनके पास वेलोसिटी होगी क्या यू थीटा की और सारा का सारा एक्सेलरेशन उस समय नॉर्मल डायरेक्शन में हो जाएगा तो उस समय जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर टॉप मोस्ट लोकेशन पर टॉप मोस्ट वो होगा कितना वो होगा यू थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का मैं यूज कर रहा हूँ कि भाई नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बाय आर हेंस आर को लिखा जा सकता है वी स्क्वायर बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ है ना यहां नॉर्मल एक्सेलरेशन था जीकोस्थीटा और यहाँ नॉर्मल एक्सेलरेशन था जी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू यहाँ और यहां हमें मिल गई ठीक क्या आपको इतना भी समझ में आता है कि इस समय इस इनिशियल पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा और इस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा सही बात है मैंने आपको समझाया है, है और मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा प्रोजेक्शन पॉइंट पर अगर अपन ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड की ही बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोजेक्शन पॉइंट पर होगा ये मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर है अरेविद में इन जनरल किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या इन दोनों के बीच रहेगा सही बात है इन जनरल पूरे मोशन के दौरान कहीं भी कोई पॉइंट उठा लू मैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू होगी इन जनरल में एक क्वेश्चन लिख सकता हूं कि किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू यू कॉस्थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एंड वुड बी लेस देन इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस्थीटा ये कर्वेचर रेडियस की रेंज आ गई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल दी करवे रेडियस वुड लाई इन दिस रेंज कर्वेचर रेडियस वुड लाई इन दिस रेंज कभी कभी इस पर कुछ पूछ लेता है वो आपको कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है कि नहीं ऐसा पूछ ले तो आप क्या करोगे मैं आपको एक कि थीटा डिग्री पर और फलाने स्पीड से थीटा इतने एंगल पर मैंने फेंका पार्टिकल ग्राउंड टू तो ग्राउंड अब बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो सकता है टेन मीटर हो सकता है कि नहीं तो आप क्या करोगे आप मिनिमम मैक्सिमम निकालोगे और देख लोगे उसके बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है सिंपल है ना एक कैटेगरी जिस पर क्वेश्चन बन जाते हैं दूसरी कैटेगरी वो आपको ऐसा भी करवा सकता है कि कुछ ऐसा कह दे कि प्रोजेक्शन के कुछ देर बाद मान लेते हैं जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल अल्फा पर है अब अल्फा के टर्म्स में आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए है ना तो मान लेते हैं कहता है कि प्रोजेक्शन के कुछ देर बाद अल्फा एंगल पर वेलोसिटी वेक्टर है हो सकता है अल्फा अल्फा की वैल्यू थीटा और जीरो के बीच लाई करेगी है ना करेक्ट है तो अल्फा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए ऐसा वो पूछ रहा है अगर मुझसे वी नहीं बताया उसने अल्फा के टर्म्स में पूछा ठीक तो v की वैल्यू u के टर्म्स में मुझे पहले निकालनी पड़ेगी वो कैसे निकलेगी हॉर्जोंटल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v कॉज अल्फा और u कॉज थीटा बराबर है तो v कॉज ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू u कॉज ऑफ थीटा यहां से अपन v निकाल लेंगे

ठीक है Hence, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा यहां तक समझ में आना चाहिए और वी की वैल्यू वहां से उठा के यहां डाल दो भाई Hence, क्या हो गया ये अभी हो गया यू थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना जी कॉस क्यूब अल्फा कॉस स्क्वायर और एक कॉस पहले से था हेंस एंगल के टर्म्स में अगर कर्वेचर रेडियस निकालना हो तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ एंगल इज यू थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस क्यूब अल्फा ठीक कभी कभी वो ये भी पूछ लेगा आपसे तो ये भी अपने को आना चाहिए कोई आप रटेंगे नहीं किसी चीज को रटेंगे नहीं क्योंकि रटोगे तो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी केवल समझना है बस है ना फिर अपने आप आपको याद हो जाएगा वो एक अलग बात है पर रटना नहीं है हमें बहुत ज्यादा रटने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि वो रटना आपको एडवांस में तो किस कोई काम नहीं आने वाला U -cause, v -cause alpha U theta से मैंने v की वैल्यू उठा ली ठीक अच्छा और मुझे क्या करना था यहां निकालना था कर्वेचर रेडियस तो कर्वेचर रेडियस इज स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल नॉर्मल एक्सेलरेशन इज जी कोज अल्फा तो जो स्पीड है v, उसकी वैल्यू से उठा के यहां रखी क्या है स्पीड वी की वैल्यू यू कॉसिटा बाय्फा यहां रख दिया है ना तो ये एक दो छोटे से इनपुट और हैं जो हमें और होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ कर्वेचर रेडियस अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन को देखें हमसे क्वेश्चन क्या चाहता है इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड यू फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद द दर्जोंटल देन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट वेयर अट वी वैक्टर इज टू द इनिशियल वेलोटी वक्टर हम टाइम तो निकाल ही चुके थे पहले जिसकी वैल्यू थी यू डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा अब वो टाइम नहीं पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी वेक्टर पपेंडिकुलर हो जाएगा मान लेते हैं यहाँ कहीं हो गया यहाँ कहीं वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी यू से पपेंडिकुलर हो गया तो इस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा है ना इस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा तो इस जगह पर हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बना रहा होगा अगर वो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के टर्म्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर तो है ही मेरे पास अगर मैं अल्फा ढूंढ सकूं तो बस मजा आ जाएगा और अल्फा हमने ढूंढा था जोमेट्री से अल्फा की वैल्यू हमने ढूंढी थी ज्योमेट्री से क्या किया था इसको खींचा था इसको खींचा था दोनों को मिलाया था 90 डिग्री पर थीटा प्लस अल्फा 90 आया था याद आ रहा है भूल गए हो सही है तो दोनों को 90 पीछे खींचा था ऐसे इसको खींचा था पीछे ऐसे इसको भी खींचा पीछे ऐसे ये दोनों नाइन्टी पर मिलेंगे क्योंकि दोनों वैक्टर हैं ही नाइन्टी पर ठीक है जी अच्छा जी फिर फिर क्या किया यहाँ से एक हॉर्जोनटल लाइन खींच दी ऐसे तो अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा वर्टिकली अपोजिट और ये थीटा तो ये भी थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल तो थीटा प्लस अल्फा बराबर नाइनटी हे अल्फा की वैल्यू है नाइनटी माइनस थीटा क्या मैं कुल इतना कर दूं कि इसमें अल्फा की वैल्यू नाइनटी माइनस थीटा रख दूं बस बोलो मैं कुल इतना कर दूं कि यहां अल्फा की वैल्यू नाइनटी माइनस थीटा रख दूं है ना तो नीचे क्या आ जाएगा साइन क्यूब अल्फा आ जाएगा साइन क्यूब थीटा आ जाएगा तो यू कॉज स्कोर थीटा बाइ जी जिस जी साइन क्यूब थीटा ठीक है जी तो यू स्क्वायर कॉटे स्क्वायर थीटा बाय जी साइन थीटा बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाए यू स्क्वायर कॉटे स्क्वायर थीटा बाय जी साइन थीटा सही आंसर हो जाएगा अच्छा क्वेश्चन है समझ में आया सबको यस yes, सर पक्का कोई कंफ्यूजन समझ में आती ना बात और अब आगे के लिए हम याद भी रखेंगे कि जब वेलोसिटी पडिकुलर हो जा रही है तो थीटा और अल्फा का सम टोटल 90 है इसको रख लेंगे दिमाग में थोड़ा सा है ना दोनों का सम टोटल 90 बनता है ठीक है चलो जी आगे बढ़ जाए बी आंसर आ गया हमारा अगला दसवां देखो क्या क्या चाहता है टेंथ क्वेश्चन क्या चाहता है पार्टिकल इज मूविंग ऑन एन इलिप्टिकल पाथ देन दें स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट अच्छा क्वेश्चन है स्पीड कांस्टेंट है इसका क्या मतलब है एटी जीरो है इसका मतलब है एटी तो भाई जीरो है ठीक है तो टोटल एक्सेलरेशन केवल नॉर्मल एक्सेलरेशन से बन रहा है है ना तो टोटल एक्सेलरेशन है केवल नॉर्मल एक्सेलरेशन जो कि होता है वी स्क्वायर बाय आर और हमें बताना है एक्सेलरेशन कहा मैक्सिमम होगा जहां आर कम होगा मिनिमम होगा तो हम ढूंढ लें आर मिनिमम कहां है सी पर है वो मैंने आपको फील पहले करा चुका हूं है ना कि जितना छोटा होगा कर्व जितना जल्दी मुड़ रहा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम बनेगा या था ना दो सर्कल बनाए थे एक बड़ा सर्कल बनाया था एक छोटा सर्कल बनाया था समझाने के लिए कि बड़ा रेडियस और छोटे रेडियस में अंतर क्या है यहां टर्निंग फटाफट हो रही है एकदम फास्ट हो रही है और यहां टर्निंग धीरे धीरे हो रही है सही है तो कर्व जितना छोटा जितना जल्दी टर्न करेगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम बनेगा सही बात है रेडियस सी पॉइंट पर मिनिमम होगा देख के ही बता सकता हूं मैं सही है तो सी पर चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट पर आर मिनिमम बनेगा और चूंकि आर मिनिमम बनेगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम बनेगा तो आंसर हो गया सी ठीक है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कितना आसान है बहुत अच्छा है ये भी एग्जाम में आ जाए तो सत्तर अस्सी परसेंट बच्चे तो नहीं कर पाएंगे नहीं समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, पाएंगे। ग्यारहवा देखिए क्या कहता है आर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस डिपेंड्स इक्वल टू ए रू एस वेर ए इज कॉन्स्ट दैन देंगल बिटवीन दैक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन एंड दैक्टर ऑफ दिलासिटी एज ए फंशन ऑफ एस विली रोड ऑफ का क्वेश्चन है करो जरा मुझे बहुत खुशी होगी तुम आंसर निकाल दोगे तो <coughs> एंगल बिटवीन वेक्टर ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एंड वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। हम्म करो 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 मैच तो करेगा यार आंसर तो सही है देखते हैं भी देखते हैं बना कुछ मैच करें बी बी और किसी का कोई आंसर कुछ बना बना नहीं तुम्हारा शिवंश नहीं अभी हम दो तीन बार निकाल चुके हैं एंगल एक्सेलरेशन वेक्टर और वेक्टर के बीच एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगली तो पूछा और क्या पूछा है एन बाई एटी निकालना है उसके लिए एन और एटी निकालना पड़ेगा अलग अलग बस चलो देखते हैं करूं मैं सॉल्व कर लिए सबने फाइट और मुझे खुशी है कि तुम सही दिशा में सोच रहे हो तो बेसिकली हमें ए एन बाई टी निकालना है और कुछ भी नहीं करना है सही है इतना तो मैं गए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है स्पीड लगातार बदल रही है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो डेफिनेटली किसी पॉइंट पर मान लेते हैं कि पार्टिकल ये है और ये वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो सेंटर की तरफ होगा हो ही होगा ए एन और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा ए टी और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो होगा टोटल एक्सेलरेशन तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा टोटल एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा टोटल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है ये वाला एंगल पूछा है जिसको हम अल्फा बोलते हैं तो टेन अल्फा की वैल्यू है टेन ऑफ अल्फा की वैल्यू है ए एन बायी ठीक है यह अपने को अच्छे से पता है तो हमें बेसिकली एन और ए टी निकालना है बस और कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में ठीक ए टी को सोचते हैं पहले तो स्पीड जो है वो ए रूट एस पर डिपेंडेंट है स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन ए रूट एस और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब इसको टाइम पर डिफ्रेंशिएट कर दू तो मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा सही है करेक्ट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी वुड बी नथिंग बट डी वी बाय डी टी वुड बी इक्वल टू ए <coughs> तो कांस्टेंट है रूट एस का डिफरेंशिएशन तो वन बाय टू रूट एस इन टू बाय डी टी एंड डी एस बाई डी टी इज इज वी डीएस बाई डी टी इज वी विच इज ए रूट एस उसको वहां रख दूंगा मैं सो दिस इज इक्वल टू ए बाई टू रूट एस तो पहले से ही था ए बाई टू रूट एस तो पहले से ही था <coughs> और डीएस बाई डी टी की वैल्यू रख दी मैंने ए रूट एस रूट एस रूट एस कट गया कितना बचा ए स्क्वायर बाय टू ये तो हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कोई दिक्कत नहीं है छोटी सी बात है डी एस बाई डी टी वी होता है किसको नहीं पता सबको पता है है ना बस रखने वाली बात थी ऐसा एडवांस ने हजारों बार किया है एक बार एक दो बार नहीं हजारों बार ये कॉमन टूल्स हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं है ना अच्छा दूसरा चाहिए अपने को नॉर्मल एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो कि होता है वी डिवाइडेड बाय आर तो आर तो उसने दे ही रखा था रेडियस और वी है ए रूट एस तो ये हो गया कितना ए s डिवाइडेड बाय आर ठीक और अब हमें ए एन बाइ ए टी चाहिए तो टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए एन विच इज ए s डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया क्या बचा टू एस बाय आर टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टू एस कुछ तो गलती करोगे ना तभी तो आंसर नहीं आएगा <laughs> कुछ तो करोगे पर पूछेगा कौन तुमने क्या किया ये बताओ <laughs> पूछेगा कौन तुम अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दोगे तो तुमसे कुछ पूछने आएगा क्या कोई नहीं पूछने आएगा है ना हेन्स हमें हर हालत में आंसर तक आना है नहीं तो हमारा सारा मेहनत बिल्कुल बेकार हाँ उसका कोई मतलब ही नहीं है हम कहीं अपने आप को सांत्वना ना दें अरे यार मैंने सब कुछ तो कर ही लिया था जरा सा रह गया तो वो जरा सा सब कुछ है वही है सब कुछ है ना और कोई नहीं पूछने आने वाला कि आपने कितनी मेहनत करी कितने रजिस्टर भरे कितने घंटे पढ़े कोई नहीं आएगा केवल आपका जो मार्क्स आएंगे वही होगा सब कुछ है ना ठीक है समझ में आती बात ऐसा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है हाँ बोलो मार्क्स आएंगे और रिलेटिव्स आएंगे है? हाँ और भी बहुत लोग आ जाएंगे फिर <laughs> अच्छा जी बारवा क्वेश्चन देखें क्या चाहता है अगेन अच्छा क्वेश्चन टफ क्वेश्चन पार्टिकल मूव्स विद डी एक्सेलरेशन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सो दैट एट एनी मोमेंट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अगेन ऑफ का क्वेश्चन है ठीक तो हाँ <laughs> जितने थे सब आ गए इसमें तो पार्टिकल मूव्स विद डीलरेशन अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर डी एक्सेलरेशन मतलब उसकी स्पीड घट रही होगी सो दैट एट एनी मोमेंट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल इन मॉड्यूलि मतलब मैग्नेट्यूड बराबर तो सबसे पहले यहीं से इक्वेशन यही बना लेते हैं बोलो क्या इक्वेशन बनेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल इन मैग्नेट्यूड तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा हो सकता है आर अल्फा हो सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर या आर ओ स्क्वायर कुछ भी ये तो कह रहे हैं तो किसी भी क्षण पर किसी भी मोमेंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सिलरेशन आपस में मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है तो ठीक है भाई कोई मोमेंट है उस समय एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा है और उस समय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और उस समय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन आपस में बराबर है एज पर दी क्वेश्चन ठीक है एट द इनिशियल मोमेंट इज गो जीरोक्वल टू वी नॉट ठीक है देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एस कवर्ड विल बी दी स्पीड ऑफ दी पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड वि तो अपने को स्पीड चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस तो मुझे दिख रहा है कि आंसर में वी और एस के टर्म्स हैं और अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी हुई है वो एंगुलर वेरिएबल्स में लिखी हुई है क्यों ना मैं इस इक्वेशन को लीनियर वेरिएबल्स में बदल लू तो ये जो आर अल्फा है टेंजेंशियल एक्सिलरेशन है क्या मैं इसको लिख सकता हूं डीवी बाई डी टी है ना ये ए 80. क्या मैं इसको लिख डिस्टेंस का फंक्शन चाहता है और अभी मैं अगर इसको इधर उधर खिसका इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन मिलेगा मैं पागल हूं जो ऐसा करूंगा क्या मैं इस डी बाई डी टी को वीडीवी बाई डी लिखूंगा इतना मुझे समझ में आना चाहिए मैं इसको dv बाई डी ना लिख के वी डी वी बाई डी एस लिखूंगा और v बाई डी एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर की क्वेश्चन बनाऊंगा यहां पर हो सकती है आपसे एक गलती और वो गलती ये है उसी गलती के वजह से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन ने एक शब्द दिया था डी एक्सेलरेशन हाँ और ये बहुत बड़ी गलती है छोटी गलती नहीं है क्योंकि ऑप्शन में आपको प्लस माइनस दोनों तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं देखो थे थे थे। हाँ फंसा देगा आप तो खुश होगा कि वाह मजा आ गया खत्म हो गया खेल और आंसर भी मिल गया मजा आ गया घर जाके देखे तो गलत हो गया <laughs> नेगेटिव आ गया जिसको पॉजिटिव में जोड़ा था है ना जो रक्षक था वो भक्षक बन गया ठीक <laughs> है तो माइनस वी डी आया सबको समझ में आ रहा है क्योंकि डी एक्सेलरेशन है डी एक्सेलरेशन है बस अब कुछ नहीं करना है हमें तो अब हमें केवल वेरिएबल खिसकाने हैं तो वी स्क्र को इधर ले आएंगे तो माइनस वी डी वी बाई वी स्क्वल टू डी एस बाई आ एक वी एक वी से कट गया ठीक है जी और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया माइनस को चलो उधर खिसका देते हैं तो डी वी बाई वी का इंटीग्रल क्या बन जाएगा एल एन वी इज इक्वल टू उधर माइनस एस बाय आर इधर लिमिट लगेगी कहां से कहां तक वी <coughs> नॉट से वी तक तो V0 से v तक और उधर भी लिमिट लगी है जीरो से एस तक वो दिख नहीं रहा इसलिए लिमिट लगने के बाद ही आ गया ये तो वी नॉट से वी तक लगी लिमिट तो एल एन वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू माइनस एस आया है ना समझ गए तो एल एन वी बायोट इज इक्वल टू माइनस एस बाय आर ये आया एल एन उड़ा दिया ई e की पावर में उधर तो वी बाई वी नॉट इज ई की पावर माइनस एस बाई आर हैंस हैंज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस एस बाय आर वी इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर ऑफ माइनस एस बाय आर कहाँ है ए ऑप्शन वी इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर ऑफ माइनस एस बाय आर समझ गए टफ क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन हां लास्ट के तीन चार क्वेश्चन तो अब आपको ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं हो गई ऑफ <laughs> इतने ही क्वेश्चन है ऑफ में चार पांच क्वेश्चन है गिनती के सर्कुलर काइनेमेटिक्स के वो सारे हो गए यहां पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और अगर ये समझ में आ गए आपको तो फिर अब तो तुमको कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे अगर ये जो सबसे टफ क्वेश्चन है अगर ये तुमको समझ में भी आ गए हैं और अब तुम अपने आप इनको कर पा रहे हो तो अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है है ना कोई जरूरत नहीं है हाँ मैं फिर से समझा समझाता हूँ पुराना डी वी बाई डी में माइनस का साइन क्यों आया समझ में आया डी एक्सिलरेशन की वजह से ठीक है फिर उसके बाद मैंने v स्क्वायर को इधर खिसकाया ठीक है एक v से v को काटा क्या बचा dv वी बाई बचा ये यहां से आई है नॉर्मल और टेंजेंशियल आपस में बराबर थे ना टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल ऐसा बोला था उसने तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है dv बाई डी और नॉर्मल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाई आर और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बराबर है मैं तो कह भी नहीं रहा तो कर दिया चुपचाप ठीक और अब फिर दूसरी बात जो मैंने सोची वो ये कि वो चाह क्या रहा है वो चाह रहा है वी का एस में फंक्शन निकलवाना और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो वी का टाइम में फंक्शन आएगा उसका मैं क्या करूंगा है ना तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ तो करूं क्या करूं तो मुझे समझ में आया कि एक्सेलरेशन को लिखने का एक तरीका और हो सकता था वी डी वी बाई डी एस वो लिख लेते हैं तो मैंने वी डी वी बाई डी एस बराबर वी स्क्वायर बायर लिखा यहां भी एक गलती हो सकती है माइनस की क्योंकि वो डी एक्सेलरेशन था तो एक माइनस का साइन यहां और आएगा फिर इंटीग्रेट कर दिया फिर तो मैथ से गणित और कुछ नहीं है ठीक है साहब बारह तक ही थे ना खेल खत्म हो गया इसका खेल खत्म हो गया हाँ बिल्कुल यहां भी आएगा बिल्कुल आएगा अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस आएगा यहाँ डेफिनेटली है ना बिल्कुल आएगा <coughs> <coughs> माइनस क्यों आ रहा है चलो ठीक है पॉजिटिव नंबर और राइट हैंड साइड जो है वो भी एक पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ गिर रही है तो डीवी बाई डी टी खुद नेगेटिव होगा जो दिखेगा नहीं वो तो जब रखोगे तब आएगा उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस का साइन है क्या मेरी बात समझ रहे हो क्या बात समझ में आई है जब मैं लिख रहा हूं ना ए बराबर डीवी बाई डी टी ऐसा मैंने लिखा ए बराबर डी वी बाई डी टी तो इसमें ए नंबर है ए नंबर है इसमें सही है ठीक है और अगर तुम ए को पॉजिटिव नंबर की तरह सोच रहे हो तो फिर तुमको यह देखना पड़ेगा कि स्पीड बढ़ रही है घट रही है अकॉर्डिंगली प्लस माइनस का साइन आएगा और अगर तुम एक को साइन के साथ देख रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ए बराबर डीवी बाई डी टी एक्सेन डी एक्लेशन दोनों में काम करेगा प्रोवाइडेड एक को साइन के साथ देखा जाए जैसे हम वन डी मोशन में देखते हैं समझ रहे हो पर अगर तुमने एक को पॉजिटिव नंबर की तरह रखा है तो फिर तुम्हें तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारी इक्वेशन फंडामेंटली गलत हो जाएगी क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं इससे मिलती जुलती एक और बात है जो कभी कभी बहुत दुख दे देती है उसको मैं यही बताना चाहूंगा फिर बाद में भी बताऊंगा बार बार हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग एलिमेंट होता है समथिंग समथिंग डीएक्स होता ना इंटीग्रेटिंग एलिमेंट हम उस इंटीग्रेटिंग एलिमेंट को हमेशा पॉजिटिव मानते हुए इंटीग्रेट करते हैं पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फंक्शन उल्टा आ रहा हो हम इंटीग्रेट करते हैं चीज इधर से उधर जा रही है अगर उल्टी लौट रही हो तो जो डीएक्स बनेगा वो नेगेटिव हो जाएगा तो एक माइनस का साइन और लगाना पड़ेगा इस झंझट से बचने के लिए इससे इस इस परेशानी से हटने के लिए लिमिट जब भी लगाई जाती हैं ये देखते हुए लगाई जाती हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का हो

एंगल लफड़ा आ जाएगा तो इससे बचने के लिए आप हमेशा ही डीएक्स को पॉजिटिव माने और लिमिट में यह देखें कि जो आपका बेसिक फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीजिंग नेचर का हो तो फिर गड़बड़ कभी नहीं होगी ठीक है ये बात आ जाती है तब इसका जिक्र करेंगे चलिए जी बस थैंक यू वेरी मच यहीं तक आज करेंगे दी एंड